नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश रीवा जिले के त्योंथर तहसील में दिव्यांग मनीष यादव ने उठाया भ्रष्टाचार को उजागर करने का बेड़ा। त्योंथर जनपद पंचायत में सड़क नहीं बने होने से वहां की जनता परेशान है। सरपंच और सचिव सड़क निर्माण के लिए राशि निकाल लिए हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच और सचिव मिलकर पूरा पैसा डकार गए। त्योंथर जनपद पंचायत के अंतर्गत अजोरा हिरान टोला में सड़क नहीं होने से ग्रामीण बहुत परेशान है। विगत सप्ताह पूर्व ग्रामीणों ने SDM त्योंथर को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग किया था, लेकिन उनके आवेदन पर अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि जल्द सड़क निर्माण नहीं होता है और इस मामले में हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं होती है तो वे SDM कार्यालय के सामने बैठेंगे और आमरण अनशन करेंगे। वहीं SDM संजीव पांडे ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए जनपद CEO को जांच का आदेश दिया। इस मामले में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। त्योंथर से हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आज आप लोग SDM कार्यालय आए थे अपनी सड़क की समस्या को लेकर। आप लोग SDM साहब से क्या बात की और SDM साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमने SDM साहब को ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार को लेकर के एक हफ्ते पूर्व निर्माण कार्य को प्रारंभ किया जाए। अगर प्रारंभ नहीं होता है तो हम ग्रामवासियों के साथ मनीष यादव SDM कार्यालय पहुँच कर भूख हड़ताल और आत्महत्या के लिए प्रतिबद्ध होंगे। और हमने एक हफ्ता बीतने पर आज जब SDM कार्यालय पहुंचा तो SDM साहब ने हमें 2 दिन के लिए मोहलत मांगे। 2 दिन का मोहलत दीजिए, मैंने CEO से बात करके उसका तत्काल जांच करवाकर निर्माण करवाता हूँ। तो हमने 2 दिन को मोहलत दिया है 23 तारीख तक लीजिए। आज 22-23 को और हम इस दोबारा आएंगे और यहाँ ग्रामवासियों के साथ बैठेंगे। तब तक बैठेंगे आमरण अनशन, यानी कि आत्महत्या अनशन बैठेंगे जब तक प्राण त्यागने तक यहाँ तो उठेंगे नहीं, क्योंकि यह ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार वो दुख जो है वो हम जानते हैं। आप लोग क्या समस्या थी, किस विषय में आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे? सड़क नहीं बन रही है कि सड़क का टेंडर हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या थी? सड़क बन रही है लेकिन सड़क का टेंडर हुआ था, उसमें जो ग्राम पंचायत सरकार द्वारा पैसा आया है, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने पूरा पैसा को बंदरबांट कर लिया है, यानी हनन कर लिया है और विकास को कागज में दर्शा किया दिया गया है और सड़क नहीं बनी है। वहाँ पर ऐसी दयनीय हालत है कि लोगों में जब तबीयत खराब होती है तो 1.5 किलोमीटर खटिया से उठा करके रोड तक लाया जाता है, तब कोई साधन मिलता है वहाँ पर। इसलिए हम लोग ग्रामवासियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। क्या समस्या है आप लोगों, किस विषय में बात करने के लिए आए थे? हमारे लोगों की समस्या रोड को लेके सारे भ्रष्टाचार, पंचायत की जो ये राशियां बंदर बांट कर के सब खा रहे हैं, सचिव, सहायक, सेक्रेटरी, सरपंच, इंजीनियर, ये पूरे मिल के जो ये ग्राम पंचायत की जो राश आती है ये सब बारी बारी से अपना हर स्कीम से निकाल के उसको बांट के खा जाते हैं। पेपर पे, सारे पेपर पे और कागजा पे पूरे कार्य को पूरा कर जाते हैं, ग्रामवासियों को बुद्धू बनाए हुए हैं। और अभी से नहीं, लगभग 30 वर्ष पीछे से ये निरंतर चला आ रहा है कि हमारी जो अंजोरा पंचायत है, रीवा और अंजोरा पंचायत है, वहाँ के ये ग्रामवासी जो अहिरान टोला के हैं, ये अपनी सुविधा कभी भी अपना लाभ कभी भी नहीं प्राप्त कर पाते, इनको इस तरह से बुद्धू बनाया गया है। इस विषय में सरपंच सचिव का क्या कहना है? सरपंच सचिव से आप लोग बोले कि नहीं बोले? जब भी सरपंच और सचिव से बात होती है तो आने वाले कल के लिए बताते हैं, वो बताते हैं कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 6 महीने बात करेंगे। कभी भी कोरोना लग जाता है, कभी भी पोर्टर बंद हो जाता है, कभी भी कोई भी स्कीम वो बताते रहते हैं। कौन से समय पास हुई थी आपकी सड़क? मेरी ग्राम पंचायत की जो राश निकलती वही राश निकली थी ग्राम पंचायत। कौन से सन में? लगभग 2013 हो रहा है शायद। 5 साल हो गए, अभी तक कोई भी निर्माण नहीं हुआ। कोई भी नहीं। बार बार में हर वर्ष हर पंचायत, मतलब 5 वर्ष बाद जो चुनाव होता है, जो कोई भी सरपंच बनता है उनको ये कैप्चर कर लिया जाता है या कि इनसे सौदा कर लिया जाता है कि आप अहिरान टोला की कोई भी कार्य का जो भी राश आएगी तो उसमें हिस्सा बटा रहता है दलालों का। और
और क्या है कोई भी चीज़ होती है जाँच होती है थोड़ा समय लगता है। मैंने बताया कि वसूली भी कराएंगे, ठीक है।